हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए लेक्चर के साथ एक नई क्लास। लास्ट हमने वरुण ग्रह को कंप्लीट कर चुके हैं। वरुण ग्रह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमारे जितने भी सौरमंडल में ग्रह हैं उसको वन बाय वन हमने पढ़ लिया है और ग्रह हमारे सारे कंप्लीट हो गए। प्लैनेट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें किस प्रकार से छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको ध्यान रखना है। जैसे सिंपल जर्नल पूछ ले कि अरुण ग्रह के बारे में बताइए, तो आपको अरुण ग्रह के बारे में दो तीन स्टेटमेंट वाइज में आपको पॉइंट वाइज में आपको लिख देना है। सौरमंडल की विवेचना कीजिए तो पूरा आपको लिखना है। या ऐसे प्रश्न पूछे कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ पार्थिव ग्रह जो होते हैं वो चार पहले के जो ग्रह हैं यानी बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इन चारों ग्रह में लगभग समानता देखने को मिलती है, इसलिए इसे टेरिस्टल प्लेनेट कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। और बात अंतिम जो चार ग्रह हैं बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ये चार ग्रह जो हैं इन्हें हम बोलते हैं जोवियन ग्रह। क्लियर हो गया होगा? तो एक विथ डायग्राम अभी हम चर्चा कर लेते हैं, डायग्राम के अनुरूप भी हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि अब हम एक पढ़ने वाले एस्टेरॉइड्स। ठीक है, शुद्र ग्रह की पेटी जो होती है एस्टेरॉइड्स बेल्ट होती है, जिसे हम एस्टेरॉइड कहते हैं, शुद्र ग्रह कहते हैं। एस्टेरॉइड प्लैनेट तो नहीं कहते, एस्टेरॉइड्स कह देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक शुद्र ग्रह हो जाता है। ठीक है, तो हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो एक छोटा डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि आखिर वो पाई कहाँ जाती है। ठीक है, कहाँ पर सौरमंडल में कहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक जर्नल सा एक जब हमारी क्लास शुरुआत हुई थी उस समय भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, हमने डिस्कस किया था और एक डायग्राम के माध्यम से हम यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस प्रकार से शुद्र ग्रह की पेटी कहाँ पाई जाती है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये तो हो गया हमारा सन, ये तो सूर्य हो गया। फिर हम एक यहाँ नाम लिख देते हैं, ये हो गया मर्क्यूरी। ठीक है, ये हो गया विनस यानी शुक्र ग्रह। उसके बाद ये हो गए अर्थ, पृथ्वी, और फिर ये एम आ गया मार्स यानी मंगल। हिंदी में भी लिख देते हैं, ये हो गया सूर्य, इसे हमने कह दिया बुध ग्रह, ये हो गया शुक्र ग्रह, इसे कह देते हैं, ये कह दिया हमने इसे पृथ्वी। ठीक है, ये हो गया मंगल। इसके बाद अब ये जो आप रेड कलर की पट्टी इस तरह से देख रहे हैं, इसे नाम देते हैं एस्टेरॉइड्स, यानी कि
इसे बोलते हैं बेल्स ऑफ एस्टेरॉइड। बेल्स ऑफ एस्टेरॉइड्स, क्लियर। ये जो पूरी रेड कलर की इस तरह से पेटी नजर आ रही है, ये बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह की पेटी कहलाती है। फिर यहाँ पर एक ग्रह हो गया जुपिटर, ठीक है, ये हो गया सैटर्न, ये हो गया यूरेनस और ये हो गया आपके नेपच्यून। तो इस प्रकार से देखें तो ये बृहस्पति ग्रह हो गया, ये बृहस्पति हो गया, इसको हमने नाम दे दिया, इसको नाम दिया हमने शनि और इसको नाम दिया अरुण और ये हो गया वरुण। तो इस प्रकार से तो आपसे कोई प्रश्न पूछे कि एस्टेरॉइड्स की बेल्ट किन दो ग्रहों के मध्य पाई जाती है, तो देखिए एस्टेरॉइड्स की बेल्ट के यदि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखें कौन सा ग्रह मिलता है, तो इसके पूर्व में जो ग्रह मिलेगा वो मिलेगा आपको मंगल यानी मार्स ग्रह मिलेगा, और इसके बाद में आपको कौन सा ग्रह मिलेगा, तो यहाँ देखा हुआ है बृहस्पति। यानी कि एस्टेरॉइड्स की जो बेल्ट है वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया है, अभी हम वन बाय वन एक और समझ लेंगे, जब तक आप डायग्राम बनाइए, ठीक है। वन बाय वन हम समझ लेंगे इसको, जब तक आप डायग्राम बनाइए, हम टॉपिक लिख देते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं एस्टेरॉइड्स के बारे में, ठीक है, यहाँ ई आर्ट कर लीजिए एस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं एस्टेरॉइड्स के बारे में, हम पढ़ रहे हैं अब एस्टेरॉइड्स के बारे में हमें पढ़ना है, और क्या इसकी मुख्य विशेषता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। आप इससे फटाफट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ताकि हम कंटिन्यू अब वन बाय वन एक एक पॉइंट को डिस्कस कर सकें, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड्स किन्हें कहते हैं, बना लीजिए आप। ठीक है, मिटा देता हूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर एक एक पॉइंट को डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। चलिए वन बाय वन पढ़ते जाते हैं। देखिए नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट, इसको थोड़ा हम इधर लिख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वन बाय वन एक एक डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं, क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम ये लिखते हैं, ग्रहों के अलावा जो छोटे छोटे पिंड जो छोटे छोटे पिंड सौर मंडल में पाए जाते हैं, सौर मंडल में पाए जाते हैं
उन्हें एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा आपने कि ग्रहों के अलावा जो छोटे छोटे पिंड, ठीक है, जो छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं उसे हम सौरमंडल में जो पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्लियर हो गया? तो क्षुद्र ग्रह किन्हें कहते हैं? कि जो ग्रहों के अलावा जो अन्य पिंड पाए जाते हैं, यानी आठ, वो भी क्या है, एक प्रकार से आठ पिंड ही है, एक ग्रह हम उसको कह रहे हैं। तो उसके अतिरिक्त यदि छोटे छोटे पिंड जो सौरमंडल में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इनकी संख्या लगभग 140,000 तक हो सकती है, ठीक है, इनकी संख्या लगभग 140,000 तक हो सकती है, यानी ये इतने हो सकते हैं, इतने पाए जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इनकी संख्या एग्जैक्ट इतनी होती होगी, हम अनुमान लगा रहे हैं कि इनकी संख्या इतनी हो सकती है। एक एक पॉइंट जिस तरह से हमने अभी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा उस तरह से आपको वन बाय वन भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट, फिर मैंने बताया था अभी आपको डायग्राम में कि जो एस्टेरॉइड्स हैं यानी जो क्षुद्र ग्रह हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, तो हम वो पॉइंट भी लिख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति, इंग्लिश में लिखना चाहें मार्स एंड जुपिटर, मार्स व जुपिटर ग्रह, मार्स व जुपिटर ग्रहों के बीच में, ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तथा यह है, ठीक है, तथा यह है सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, ठीक है। जिस तरह से अन्य ग्रह जिसे अभी हमने चर्चा की थी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और सूर्य की परिक्रमा करने में इनको लगता है समय, ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से जो क्षुद्र ग्रह हैं ये भी सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। और ये किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो वो आपको ध्यान रखना है, ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 140,000 तक हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम लिखेंगे क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह लगभग 28 करोड़ किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में सौरमंडल में विस्तृत है,
ये एक इम्पोर्टेंट बात और है कि शुद्र ग्रह लगभग 28 करोड़ किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में, कितना, 28 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में ये सौर मंडल में विस्तृत है। जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया था तो ये लगभग 28 करोड़ किलोमीटर की दूरी है उसमें ये विस्तृत है, ठीक है। डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये 28 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी है उसमें ये विस्तृत है। तो एक तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि शुद्र ग्रह जो है वो किन दो ग्रहों के बीच में है, एक तो प्रश्न ये हो जाएगा, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में है। दूसरा ये कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और तीसरा ये कि ये लगभग 28 करोड़ किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में क्या है, सौर मंडल में ये विस्तृत है। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट, ये आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि ग्रह के अलावा जो छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं उसे सौर मंडल में हम शुद्र ग्रह कहते हैं, और इनकी संख्या लगभग 140,000 होती है। ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सन 1801 में एक द्वीप है इटली में, उसका नाम है सिसिली द्वीप, इटली में है, ध्यान रखिएगा। सन 1801 में सिसिली यानी इटली में है एक द्वीप है। यहाँ के एक वैज्ञानिक द्वारा सिरिस नामक शुद्र ग्रह की खोज की, ठीक है। सन 1801 में सिसिली यानी इटली में है ये, और ये वहाँ के एक वैज्ञानिक है, उन्होंने सिरिस नामक एक शुद्र ग्रह की क्या की थी, खोज की थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, सन 1801 में सिसिली यानी इटली में है ये, द्वीप का नाम है सिसिली, और वहाँ के एक वैज्ञानिक या खगोलवेत्ता हम लिख सकते हैं द्वारा सिरिस नामक शुद्र ग्रह की खोज की गई। क्लियर होगा? वन बाय वन हम एक एक की बात कर रहे हैं। 1802 में, इसके अलावा हम एक पॉइंट और लिखते हैं, 1802 में और 1804 में दो अलग अलग प्रकार के शुद्र ग्रह की खोज की गई। 1802 में प्लास की खोज की गई, जिसका व्यास लगभग 600 किलोमीटर था। ठीक है। और 1804 में एक जूनो नामक उपग्रह की, शुद्र ग्रह की खोज की गई, जिसका व्यास 250 किलोमीटर था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, अधिकांश शुद्र ग्रहों में निकल व लोहे
तत्व की प्रधानता, तत्व की प्रधानता होती है। अधिकांश शुद्र ग्रह में निकिल व लोहे तत्व की प्रधानता होती है। कुछ शुद्र ग्रहों में कार्बन भी पाया जाता है। कुछ शुद्र ग्रहों में कार्बन भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात कि इनकी जो रचना होती है या इनमें निकिल व लोहे तत्व की प्रधानता होती है, और कुछ शुद्र ग्रह ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन भी पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तीन पॉइंट हमने लिखे हैं, तीन पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं वापस से। सन 1801 में सिसली, ठीक है, एक ये द्वीप का नाम है सिसली, जो कि इटली में स्थित है, या एक वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता भी लिख सकते हैं। भूगोलवेत्ता ने सिरिस नामक एक शुद्र ग्रह की क्या की, खोज की, ठीक है। एक पॉइंट तो इम्पोर्टेंट ही हो गया। फिर 1802 में, यानी 1801 में तो इन्होंने की थी सिरिस नामक की, 1802 में प्लास नामक एक शुद्र ग्रह की खोज की, जिसका व्यास 600 किलोमीटर तक पाया गया। 1804 में जूनो नामक शुद्र ग्रह की खोज की गई, जिसका व्यास लगभग 250 किलोमीटर तक था। क्लियर हो गया। और अधिकांश शुद्र ग्रहों में आपको निकिल व लोहे तत्व की प्रधानता मिलेगी, पाई जाती है, लेकिन कुछ शुद्र ग्रह ऐसे हैं जिनमें कार्बन की मात्रा भी देखने को मिलती है। कुछ एक हैं जिनमें कार्बन, जैसे हम बात कर रहे हैं कि लगभग 140,000 है, तो ऑलमोस्ट लगभग 100,000 से अधिक में निकिल और लोहे की प्रधानता है, और कुछ एक में जो कार्बन की मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, और अभी हम बात करते हैं कि और कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब बात करते हैं इसकी परिक्रमा की, कि जो परिक्रमा करते हैं इसमें कितना समय लगता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। लिखें नेक्स्ट पॉइंट, शुद्र ग्रहों को परिक्रमा करने में पृथ्वी के समय से पांच गुना अधिक समय लगता है। यानी कि शुद्ध ग्रह को परिक्रमा करने में पृथ्वी के समय से पांच गुना अधिक समय लगता है। जैसे हम ये जानते हैं कि पृथ्वी का जो समय है वो 365 दिन है, तो इंटू आप पाँच कर लें, इंटू 365 गुना पाँच आप कर लें, तो लगभग 1825 दिनों में, 1825 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। क्लियर हो गया।
तो शुद्र ग्रह को परिक्रमा करने में पृथ्वी के समय से लगभग 5 गुना अधिक समय लगता है। यानी 365 दिनों में तो पृथ्वी अपनी परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन में। ये कह रहा है कि 5 गुना और अधिक समय लगता है, तो लगभग 1825 दिनों में ये सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। यानी पृथ्वी पांच बार परिक्रमा पूर्ण कर सकती है। मतलब यानी कि हम फॉर एग्जांपल देखें तो 2011 में पृथ्वी की एक बार परिक्रमा पूर्ण हो गई, फिर 2012 में हो गई, इसी तरह से 2013 में भी, 2014 में और फिर 2015 में। यानी कि ये जो समय लगा पृथ्वी को, ये जो 5 वर्ष लगे, इसमें एक बार ही शुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर पाते हैं, सूर्य की परिक्रमा कर पाते हैं। समझ में आ गया? यानी 5 बार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर लेगी, जबकि शुद्र ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा केवल एक बार ही कर पाएंगे, क्योंकि 5 गुना समय अधिक लगता है। सिंपल सी है। तो यहाँ 5 बार यदि पृथ्वी परिक्रमा कर लेती है, 5 वर्ष बना लेती है, 5 वर्ष कंप्लीट कर लेती है, तब तक जो शुद्र ग्रह है वो केवल एक बार ही सूर्य की परिक्रमा कर पाते हैं। क्लियर हो गया होगा पॉइंट अच्छे से? ओके, नेक्स्ट। सभी शुद्र ग्रहों का अपना पथ होता है, ठीक है, सब अपने अपने पथ पे परिक्रमा करते हैं। सभी सभी शुद्र ग्रहों का अपना अपना पथ होता है, अपने अपने पथ पर ये चलते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है। इनका जो पथ होता है, यानी कि जो पाथ ये जो मूव करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये अंडाकार पाथ होता है, अंडाकार पथ होता है, अंडाकार पथ होता है, एक का पथ अन्य से भिन्न होता है, अन्य से भिन्न होता है, ठीक है। सभी शुद्र ग्रहों का अपना अपना पथ होता है, सब अपने अपने पथ पर चलते हैं, गति करते हैं। इनका जो पथ होता है वो कैसा होता है? अंडाकार पथ होता है, और एक का पथ जो होता है वो अन्य से क्या होता है? भिन्न होता है। यानी कि कुल मिला के सबका अपना अपना पथ है, अपनी अपनी परिक्रमा करते हैं, अपनी अपनी स्पीड से ये घूमते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा आपको? नेक्स्ट। अब कुछ भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि मंगल व बृहस्पति के बीच, बृहस्पति ग्रह के बीच मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच जो इस शुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है, ये एक फाइटन नामक एक फाइटन नामक ग्रह था जो कि बृहस्पति से टकरा गया, अब बृहस्पति से क्यों टकराया? क्योंकि बृहस्पति की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसने इसको खींच लिया,
ठीक है, मैं समझा देता हूँ। देखो, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक फाइटन नामक ग्रह था जो कि बृहस्पति से टकरा गया। तो बृहस्पति से क्यों टकरा गया? क्योंकि बृहस्पति का जो गुरुत्वाकर्षण बल था उसने उसको अपनी ओर आकर्षित किया होगा। तो ये फाइटन नामक जो ग्रह है ये बृहस्पति से टकरा गया, और जब बृहस्पति से टकराया तो उसके जो टुकड़े हुए वही टुकड़े एस्टेरॉइड्स कहलाए। ठीक है, एक भूगोलवेत्ता का ये मानना था कि ये जो एस्टेरॉइड्स है, ठीक है, जो एस्टेरॉइड्स हैं ये कहीं ना कहीं सौरमंडल में किस प्रकार से आए होंगे, है ना, कैसे ये सौरमंडल में आ गए होंगे और ये सौरमंडल के चारों ओर या यूँ कहें सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक भूगोलवेत्ता ने कहा कि ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक फाइटन नामक ग्रह था जो कि बृहस्पति से जब टकराया तो धीरे धीरे टुकड़ों में विभाजित हो गया। ठीक है, धीरे धीरे टुकड़ों में विभाजित हो गया और यही फिर शुद्र ग्रह कहलाए, और यही फिर क्या कहलाए? शुद्र ग्रह कहलाए। क्लियर हो गया? आ गया आपको समझ में? तो इनको शुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, और एक जगह इनका नाम आपको अवांतर ग्रह भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इसका एक नाम है, ये भी हम कह सकते हैं अवांतर ग्रह, एस्टेरॉइड्स, शुद्र ग्रह, अवांतर ग्रह। क्लियर? तो इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो डिस्कस कर ली है, सारी मेन इम्पोर्टेंट बातें हमने पढ़ लिया है कि क्या होता है। जैसे शुद्र ग्रह की परिक्रमा पृथ्वी के समय से 5 गुना अधिक समय लेती है, तो लगभग 1825 दिनों में ये एक परिक्रमा सूर्य की कर पाता है। उसके बाद सभी शुद्र ग्रहों का अपना अपना पथ होता है, सब अपने अपने पथ पर ही परिक्रमा करते हैं। इनका जो पथ होता है वो अंडाकार होता है, और ऑलमोस्ट जितने ग्रह हैं उनका पथ भी कैसा है? अंडाकार ही होता है। ठीक है, पूरे व्रतनुमा आकृति में नहीं करते, ये अंडाकार पथ पर ही परिक्रमा करते हैं, जिसके माध्यम से समय इनका अधिक और खर्च होना शुरू होता है। एक का पथ अन्य से भिन्न होता है, यानी कि एक शुद्र ग्रह का पथ अलग है तो दूसरे का अलग है। ठीक है, यानी टाइम जो है वो कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल यूँ मान लीजिए कि सूर्य की यदि ये परिक्रमा करते हैं तो कुछ होता होगा कि कुछ 1000 दिन में पूरी कर रहे हूँ, कुछ 1200 दिन में पूरी कर रहे हूँ। ठीक है, कुछ को समय लगकर 1500 हो जाता होगा। तो ये सूर्य के चारों जैसे परिक्रमा कर रहे हैं, ये सन के चारों ओर परिक्रमा ऐसा कर रहे हैं, तो सबके जो पथ है, सबका जो मार्ग है वो सबके अलग अलग देखने को मिलते हैं। और फिर एक भूगोलवेत्ता अनुसार ये माना गया कि ये जो शुद्र ग्रह हैं इनका निर्माण कैसे हुआ होगा, तो मंगल व बृहस्पति के बीच में फाइटन नामक ग्रह रहा होगा, और वो फाइटन नामक ग्रह जो है वो बृहस्पति से टकरा गया होगा, और टकराने के माध्यम से फिर धीरे धीरे टुकड़ों में विभाजित हो गया, और इस प्रकार से फिर शुद्ध ग्रहों का निर्माण हो गया। ये ऐसा माना जाता है कुछ भूगोलवेत्ताओं के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया शुद्र ग्रह। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये शुद्र ग्रह आपका कंप्लीट हो गया है, और शुद्र ग्रह के बाद एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, हम उसकी बात कर लेते हैं, और उसका नाम है मीटियोराइट्स, या हम उसको हिंदी में कहते हैं उल्काएं। ठीक है, ये आपके एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब एक छोटा सा टॉपिक मीटियोराइट्स का पढ़ लेते हैं, और उसी के साथ में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। सौरमंडल का एक अच्छा सा आपका प्रश्न तैयार हो गया, उसका उत्तर आप लिख पाएंगे। पॉइंट वाइज हम पढ़ रहे थे अब तक, और आगे भी हम पॉइंट वाइज ही बात करेंगे, क्योंकि पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से। पैराग्राफ में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहा है, इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग डाल लेते हैं मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स की बात करते हैं, हिंदी में बोलते हैं उल्काएं। ठीक है, उल्काएं की बात कर लेते हैं। देखिए, एक्चुअल में मीटियोराइट्स होते क्या हैं?
ठीक है। तो मीटियोर्स एक प्रकार के क्या होते हैं, धूल के कण हो सकते हैं, ठीक है, या चट्टानों के टुकड़े हो सकते हैं जो इस पूरे अंतरिक्ष में सौर मंडल में विद्यमान है, और यह उस पेटी में या उस भाग में या उस स्थिति में घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। चक्कर लगाते लगाते क्या करते हैं कि जब ये किसी अन्य ग्रह के संपर्क में आते हैं या अन्य ग्रह की उस परिधि में आते हैं, तो हर ग्रह का अपना क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी हर ग्रह का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो माना ही जाता है दोस्तों कि पृथ्वी के माध्यम से या पृथ्वी के द्वारा जो मीटियोराइट्स हैं वो अधिक आकर्षित किए जाते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो उसमें हम स्रोत पढ़ेंगे, सोर्स पढ़ेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, तो उसमें ही पढ़ा जाता है, उसमें ही बताया जाता है कि जो मीटियोराइट्स होते हैं, ये मीटियोराइट्स क्या हैं, ऐसे तत्वों के बने हुए हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी ऐसे ही तत्व विद्यमान है, जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में निकिल और लोहे के तत्वों की विविधता देखने को मिलती है, विद्यमान देखने को मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से उल्काओं का जो निर्माण है उसमें भी कहीं ना कहीं निकिल और लोहे तत्व या चुंबकीय पदार्थों का होना माना गया है, जिसके माध्यम से पृथ्वी उनको अपनी ओर आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से उनको अपनी ओर खींचती है। तो कुछ उल्काएँ ऐसी होती हैं जब काफ़ी दूर गति से आती है, काफ़ी दूर ये रहती हैं, और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल से संपर्क करती है और उनमें जब घर्षण उत्पन्न होता है तो ये जल जाती है। तो आप देखते होंगे दोस्तों कि रात्रि के समय तारा टूटता हुआ नज़र आता है या टूटे हुए तारे की रोशनी नज़र आती है, तो एक्चुअल में हम उसको बोलते हैं कि तारा टूट गया, है ना, हम ये कहते हैं तारा टूट गया, कुछ विश मांग ली जाए, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है, वो उल्काएँ होती है, ठीक है, वो उल्काएँ होती है। जैसे मैंने बताया कुछ उल्काएँ छोटे टुकड़ों में हो सकती है, कुछ उल्काएँ थोड़ी विशाल हो सकती है, और कुछ उल्काएँ धूल के कणों जैसी से लेकर बड़े बड़े जो गुलाश में होते हैं, बड़े बड़े जो पिंड होते हैं, वहाँ तक भी उल्काएँ देखी गई है, रिसर्च किया गया है। तो उल्काओं का जो आकार है, साइज़ जो है, वो धूल के कण के साथ साथ इतने बड़े भी हो सकते हैं कि वो बड़े शिलाखंड के रूप में भी देखे जा चुके हैं, ठीक है। तो उल्काएँ जो होती हैं वो अक्सर छोटे से बड़े आकार में हो सकती है, और जब ये पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है या पृथ्वी इनको अपनी ओर आकर्षित करती है, और जब ये सौरमंडल में प्रवेश करती है, हम पढ़ेंगे वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल की परतों से जब ये घर्षित होती है, इनमें घर्षण फ्रिक्शन आता है, तो ये अक्सर जल जाती है, और जलकर फिर टूट कर नीचे महासागरों में या किसी स्थलीय भाग पर आकर गिर जाती है, पता नहीं चलता, ठीक है। धूल के कण यानी कि एस्ट्रॉइड्स के जो मीटियोराइट्स के जो कण हैं वो वायुमंडल में भी रह सकते हैं या फिर समुद्रों में आ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों 71% भाग जो है वो हमारा जलीय भाग है, यानी हमारे महासागर है, और 29% जो है वो महाद्वीपीय भाग है, और महाद्वीप भी बहुत बड़े बड़े विशाल महाद्वीप है। तो धूल के कण जो होते हैं या जो मीटियोराइट्स होते हैं या उल्काएँ जो होती हैं उनके कण जो होते हैं राख की भांति बन जाते हैं, या तो महासागर में गिर जाते होंगे, ठीक है, या तो महासागर में गिर जाते होंगे, और नहीं तो फिर वो किसी ना किसी महाद्वीप पर आकर किसी की ज़मीन में, किसी के खेत में या किसी के और कहीं आके गिर जाते होंगे, तो हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन इसका पता जब चलता है जब बहुत बड़ी उल्काएँ जो होती हैं वो आकर एकदम से किसी धरातली भाग पर गिरती है, क्योंकि समुद्री भाग पर भी गिरती होगी तो हमें पता नहीं चलता होगा, लेकिन जब ये धरातली भाग पर गिरती है तो बड़े बड़े गर्तों का निर्माण कर देती है, गड्ढों का निर्माण कर देती है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि वास्तविकता में क्या है, क्या ये उल्काएँ हैं या और कुछ है, ठीक है। तो जब इस पर रिसर्च होती है, इसकी खोजबीन हम करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये उल्काएँ हैं या इनमें जो तत्व है वो लगभग पृथ्वी जैसे ही तत्व है, उनमें पृथ्वी के आंतरिक तत्व जैसी प्रधानता है, इसलिए पृथ्वी उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये था उल्काएँ, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, पूरी मैंने स्टोरी समझा दी है। अब हम एक एक पॉइंट लिख लेते हैं तो अपना ये टॉपिक भी आज कंप्लीट हो जाएगा, और इसी के साथ में जितने भी ग्रह हैं उसको वन बाय वन हमने पढ़ लिया है, और जो दो अन्य शुद्र ग्रह और उल्काएँ ये भी आज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो वन बाय वन पॉइंट्स में लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ये चट्टानों तथा
धातुओं के टुकड़े होते हैं, ठीक है, चट्टाने हो सकती हैं या कोई धातुओं के टुकड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट, इनका आकार धूल के कण से लेकर बड़े गोलाश्म तक हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि धूल के कण से लेकर बड़े बड़े गोलाश्म तक ये इनका आकार हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, इनको अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें जो धातुएं पाई जाती है वो कहीं ना कहीं इन जैसी होती होगी, या पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो धातुएं मिलती हैं वह धातुएं इनमें भी देखने को मिलती होगी, ठीक है। इससे हमें ये प्राप्त जानकारी होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इनको अपनी ओर आकर्षित करता है। अब जब ये वायुमंडल में प्रवेश करती है, ठीक है, तो ऐसे लिखिए, उल्काएं जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो घर्षण के कारण जल जाती है। ठीक है, वायुमंडल में जब प्रवेश करती है तो घर्षण के कारण क्या करती है, ये जल जाती है। अब वायुमंडल में जब प्रवेश करती है और घर्षण के कारण जल जाती है तो कारण क्या होता है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, धूल के कण विद्यमान है, और धूल के कण जो कि इस पूरे वायुमंडल में व्याप्त है, तो जब ये टकराती है, घर्षण इनमें होता है, तो ये अक्सर जल जाती है। और जब जल जाती है ना, तो दोस्तों हम क्या बोलते हैं कि तारा टूट गया, है ना, तारा टूट गया, कुछ विष मांग लो, तो लोग बाग विष मांग लेते हैं कि साहब हमें परीक्षा में पास करा देना, कि साहब हमारा ब्याह करा देना, है ना, ऐसी हम विष मांग लेते हैं, है ना, आंखों से हम यूँ आंख बंद करके विष मांग लेते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ एक प्रमाणिकता है, और हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो हम ज्ञान जो प्राप्त करें वो सही वाला ज्ञान प्राप्त करें। तो जो उल्काएँ होती है ना, ये उल्काएँ जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और घर्षण के कारण ये जल जाती है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं टूटता तारा। तो हम इसे कहते हैं कि ये उल्काएं टूट जाती हैं जिसे टूटा तारा, ठीक है, जो जल जाता है तारा, टूटा तारा, या फिर इसको हम एक नाम और देते हैं कि शूटिंग स्टार। टूटता तारा भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये उल्काएं जो होती हैं ना दोस्तों, ये उल्काएं क्या करती हैं, जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण, घर्षण के कारण, क्योंकि घर्षण होता है वायुमंडल में, धूल के कण होते हैं, गैसें होती हैं, और जब इनमें घर्षण होता है तो ये जल जाती है, और जल जाने के कारण हम क्या कहते हैं कि तारा टूट गया, लेकिन एक्चुअल में तारा नहीं टूटता, इसमें टूट क्या जाते हैं, उल्काएं टूट जाती है या उल्काएं जल जाती है, ठीक है।
और उल्काएं जब जल जाती हैं तो हम उसे बोलते हैं शूटिंग स्टार या टूटा तारा। तो आपको आज जानकारी हो गई कि तारा नहीं टूटता, है ना। हम ये कहते हैं तारा टूट रहा है, विश मांग ली जाए, तो तारा नहीं टूटता है। टूटती क्या है, ये उल्काएं होती है। ये उल्काएं जैसे पृथ्वी अपनी ओर इनको आकर्षित करती है तो ये वायुमंडल के घर्षण से जल जाती है, और वायुमंडल के घर्षण के जल जाने के कारण इन्हें हम शूटिंग स्टार या टूटा तारा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम उल्काएं पढ़ रहे हैं, और उल्काओं में पहली बात हमने क्या पढ़ी कि ये चट्टानों के टुकड़े होते हैं या धातुओं के टुकड़े हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं कोई चट्टान होगी, उन चट्टानों के टुकड़े ही हो सकते हैं, या कोई ना कोई धातु होगी, उन धातुओं के टुकड़े हो सकते हैं। अब इसी मैटर में मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि हो सकता है कि जो मीटियोराइट्स होते हैं या उल्काएं जो होती हैं, उन उल्काओं में जो धातुओं के कण होते हैं वो निकिल या लोहे तत्व, और या एक वर्ड लिख सकते हैं चुंबकीय तत्व, एक अन्य वर्ड लिख सकते हैं चुंबकीय तत्व। ठीक है, अब चुंबकीय तत्व कैसे है? अब मैंने आपको ये बताया था कि पृथ्वी का अपना खुद का एक गुरुत्वाकर्षण बल है, और जिसके माध्यम से ये उल्काओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आप इसका प्रयोग घर पर रह के भी कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने चुंबक के दो टुकड़े लिए, ठीक है, मान लीजिए कोई चुंबक एक इस प्रकार से है और एक इस प्रकार की चुंबक है। आपने दो चुंबक ली और दो चुंबकों को आपने हाथ से इस प्रकार से आप उसको मिलाने की कोशिश कीजिए, जैसे ये दो चुंबक के टुकड़े हैं। ठीक है, एक टुकड़ा मैं इस तरह से यहाँ बना देता हूँ। अब आप कोशिश करना कि दोनों चुंबक को बिल्कुल सही स्थिति में लगाने की कोशिश करना। 101% वो लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करती है, और आकर्षित करने से आप देखेंगे कि एक चुंबक जो होगी वो सही स्थिति में ना जाने के कारण वो थोड़ी सी ऊपर या नीचे की ओर होगी। तो आकर्षण हो रहा है, क्या हो रहा है, आकर्षण। या खेल में बच्चों के साथ आप ये भी देखते हैं कि कोई लोहे की वस्तु आप पटक दें, ठीक है, नीचे ज़मीन पर पटक दें, और चुंबक से आप उसको खींचने शुरू कीजिए। आप पहले चुंबक को पास लेके जाएं और फिर चुंबक को अपनी ओर खींचते रहिए, तो जो वस्तु होती है ना वो भी उसकी तरफ आकर्षित होती है। इसका मतलब ये होता है कि चुंबक में जो तत्व है वह तत्व कुछ तत्वों की मात्रा उस पदार्थ में भी है, इसीलिए वो अपने आप को उसकी तरफ आकर्षित करता है। ये मानव का बिहेव भी होता है कि दो मानव हैं, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों का बिहेव एक जैसा हो सकता है तो उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से जो उल्काएं होती हैं उन उल्काओं में निकिल और लोहे तत्व की प्रधानता होती है, और यही तत्व जो है हम अभी हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे अर्थ का, तो उसमें भी हम ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है जिसको हम कहते हैं क्रोड, क्या कहते हैं, क्रोड, ठीक है, उस क्रोड वाले पार्ट में भी निकिल और लोहे तत्व की विद्वानता आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो विद्यमान तत्व है ये उल्काओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्लियर। अब बात करें इनका आकार कैसा होता है, तो इनका आकार जो है वो धूल के कण की तरह हो सकता है या फिर बड़े बड़े गोलाश में भी हो सकते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े भी ये हो सकते हैं, धूल के कण से लेकर वहाँ से वहाँ तक, यानी इतने बड़े कण भी उसमें देखने को मिल सकते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इनको अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित, यह भी मैं आपको बता चुका हूँ। उल्काएं जब वायुमंडल में प्रवेश करती है, क्योंकि आकर्षित करता है, ठीक है ना, तो उल्काएं जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो घर्षण के कारण, किसके कारण, घर्षण के कारण, फ्रिक्शन होता है ना, इनमें फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, ये उल्काएं जो होती है ये जल जाती है, टूट जाती है, जिसको हम टूटा तारा भी कहते हैं या शूटिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। ठीक है, नेक्स्ट एक दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, आपको नई नई जानकारी भी मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल का मकसद यही है कि हम आपको नई नई जानकारी दें। ठीक है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और मिल जाएंगे देखने को। नेक्स्ट, कुछ उल्काएं
कुछ उल्काएं बड़ी होती हैं, कुछ उल्काएं बड़ी होती हैं जो दिन के समय दिखाई देती है, जो दिन के समय दिखाई देती है। दिन के समय दिखाई देती है जिन्हें बोलाइड कहते हैं, जिन्हें बोलाइड। जिन्हें बोलाइड कहते हैं। नेक्स्ट, फिर हमने बात किया कि कुछ उल्काएं जो होती हैं वो वायुमंडल को क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिए, कुछ उल्काएं यानी मीटियोराइट जो होती हैं, कुछ उल्काएं वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी तक पहुंच जाती है और भूमि पर गिरकर बड़े बड़े गर्तों का निर्माण करती है का निर्माण कर देती है। क्लियर हो गया? तो कुछ उल्काएं जो होती हैं वो वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद, ठीक है, जल जाती है कुछ, तो जैसे यहाँ लिखा था मैंने कि कुछ उल्काएं जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो घर्षण के कारण क्या होती है, जल जाती है। मोस्ट ऑफ दी जो होती है वो जल जाती है, ठीक है। लेकिन कोई उल्काएं ऐसी होती है बहुत विशाल आकृति की होती है, जिसका घनत्व बहुत अधिक होता है, स्पीडली वो आती है, तो फिर वायुमंडल में घर्षण होने के बावजूद भी वो नहीं जल पाती, या कुछ हिस्सा उसका जलता है और कुछ हिस्सा उसका रह जाता है, और फिर वो पृथ्वी तक आकर्षित हो जाती है, पृथ्वी तक वो आ जाती है। अब जब वे उल्काएं, कुछ उल्काएं तो ऐसी होती जो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, और दिन के समय हमें दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोलाइड। अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ उल्काएं जो होती है ना वो वायुमंडल में प्रवेश करती है और पृथ्वी तक वे पहुंच जाती है, और जब पृथ्वी तक पहुंच जाती है और भूमि पर गिर जाती है तो बड़े बड़े गर्तों का क्या कर देती है, निर्माण करती है। क्योंकि एक तो बहुत स्पीड से आ रही है, और जब वो किसी भूमि पर गिरती है तो भूमि पर गिरने में बड़े बड़े गर्तों का निर्माण करती है। क्लियर हो गया? और या फिर समुद्रों में गिरती है तो पता नहीं चलता, क्योंकि समुद्र की जो राशि है बहुत विशाल है। मैंने बताया था अभी जस्ट आपको एग्जांपल कि 71% भाग पर हमारे समुद्र है। तो मोस्ट ऑफ दी जो उल्काएं होती है, मीटियोराइट्स होती हैं, वो कहाँ गिरती है, समुद्रों में, सी लेवल पर वो गिर जाती है। लेकिन कुछ उल्काएं ऐसी होती है जो भूमि पर गिर जाती हैं, तो भूमि पर गिरने से फिर क्या करती हैं, वो बड़े बड़े गर्तों का निर्माण करती है। क्लियर हो गया? और बड़े बड़े गर्तों के रूप में हम जब वो गिरती है तो एक बम की भांति, यानी दिवाली पर हम बम फोड़ते ना, तो उस तरह से गिरती है और आवाज़ बहुत तेज होती है, और फिर वो बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण कर देती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूएसए का जो एरिजोना वाला भाग है ना, यूएसए में एक एरिजोना प्रांत है, उस एरिजोना प्रांत में बहुत बड़े बड़े गर्त पाए जाते हैं। और मोस्ट ऑफ दी जो गर्त है ना, जो उल्काओं से बनते हैं, मीटियोराइट से बनते हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलते हैं, या यूरोप में देखने को मिलते हैं, और या फिर रूस में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की जो उल्काएं होती हैं, वो उल्काएं जो जब ज़मीन पर गिर जाती है, भूमि पर गिर जाती है, तो फिर वो गर्तों का निर्माण करती है। लेकिन यदि समुद्री भाग में गिरती हैं तो हमें कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ता, और हमें पता भी नहीं चलता कि उल्काएं गिरी हैं या नहीं गिरी, क्योंकि अथाह समुद्री राशि है तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब पता चलता है, जब वो किसी स्थलीय भाग पर गिरती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अभी कुछ समय पहले लगभग लॉकडाउन के मार्च अप्रैल के आसपास की बात है, बिहार में एक कोई रीज़न है, शायद मयूर नगरी या मयूरभंज करके ऐसा कोई रीज़न है ना, कोई ज़िला है वहाँ का, बिहार का, वहाँ पर
उल्काएं गिरी थी, है ना। उल्का उल्का पिंड जो होता है ना, उसका एक छोटा पिंड नीचे गिरा था, तो वो एक चमक रहा था, मतलब एक प्रकार से उसमें चमक थी, और एक किसान के खेत में गिरा। तो लोगों ने देखा कि ये पत्थर या ये जो विशाल गड्ढा है वो कैसा बना। तो फिर जो एस्ट्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट जो हमारा भारत का है वो आया और उसको लेके गया। पता चला 2-3 दिन बाद, या उन्होंने उसी टाइम कुछ बता दिया था कि ये उल्काएं हो सकती हैं, ये उल्का पिंड हो सकता है, क्योंकि इसकी रचना कुछ कुछ जैसी है। लेकिन उसको लेबोरेटरी में जब लेके गए तो कुछ तत्वों का वो उन्होंने गहन अध्ययन किया, तो पता चला वास्तविकता में वो उल्काएं थी। तो देखिए, उल्काएं आ सकती, ज़रूरी नहीं है कि कहीं भी गिर सकती है, जब भूमि पे गिर सकती है, जलीय स्रोत है वहाँ गिर सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो होती है सागरों में गिरती है। यहाँ 10 में से कोई 1 या 2 ही उल्काएं आती है, ठीक है। नहीं तो मोस्टली उल्काएं जो होती हैं वो जल जाती है, मैंने आपको बताया वायुमंडल के घर्षण से वो जल जाती है। और कुछ उल्काएं जो बच जाती है, जिनका साइज थोड़ा छोटा होता है और वो वायुमंडल को पार कर लेती है और पृथ्वी तक आ जाती है, तो फिर पृथ्वी के किसी भी भाग पर वो गिर सकती है। हालांकि मोस्ट ऑफ दी जो उल्काएं देखने को मिलती हैं वो यही सुनने में आता है कि पृथ्वी का आकर्षण बहुत अधिक होता है इसलिए वो उल्काएं वहाँ तक पहुँच जाती है। बाकी अन्य ग्रहों पर उतना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो सकता होगा, या ये भी होगा कि उल्काएं जो हैं, उल्काओं में जो तत्व हैं वो सिर्फ पृथ्वी से मैच करते होंगे या किसी अन्य ग्रह से मैच करते होंगे, वो वहाँ तक ही पहुँचती होगी, अदरवाइज वो किसी अन्य ग्रह पे नहीं पहुँचती होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास में हमने एस्टेरॉयड की भी बात कर ली और मीटियोराइट्स की बात कर ली, यानी क्षुद्र ग्रह की भी चर्चा हो गई और उल्काओं पर भी हमारी चर्चा हो गई। और इसी के साथ आज हमारा जो एक टॉपिक है सौरमंडल का, वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी होगा उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। तो आपको समझ में आया होगा, इस ऐप से आप जुड़े हुए हैं, तो इस ऐप का जो मेन मकसद है वो मेन मकसद यही है कि आप कोई सी भी क्लास करें, चाहे आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ें या आप बीआर भाटी सर की क्लासेस वहाँ देखेंगे, मैथमेटिक्स की क्लास, एडवांस मैथमेटिक्स वो पढ़ाते हैं। इसके अलावा आपको और वहाँ अदर फैकल्टी आपको देखने को मिलेगी, मैथ्स की फैकल्टी है, कॉमर्स की फैकल्टी है, मैं वहाँ पर और भी बैचेस ले रहा हूँ, ठीक है। तो और भी टीचर्स हैं, उन टीचरों का सबका मकसद यही है कि जो भी वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो भी वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को सरल, यानी कि सरल भाषा में प्रस्तुत करते हुए और हाई से हाई लेवल तक की चीज़ों को आपको बताना, ताकि आपको नॉलेज मिले। यदि आप कुछ पैसा हमें दे रहे हो, खर्च कर रहे हो अपनी शिक्षा पर और हम अपना समय आपको दे रहे हैं, तो आप एक बार ऐसा पढ़ लीजिए कि आपको बार बार वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। एक बार हम जो फीस आप हमें दे रहे हैं उस फीस का इतना अच्छी तरह से उपयोग हो जाए कि बेसिक से हाई, यानी कि बिल्कुल सरल माध्यम से लेकर और हम आपको हाई लेवल तक ले जाएं। भले ही हमें 1 क्लास 2 क्लास 10 क्लास ज़्यादा लेनी पड़े या आपके 3-4-5 घंटे थोड़ा ज़्यादा खर्च हो जाए, तो वो हमारी प्राथमिकता नहीं। हमारी प्राथमिकता ये है कि हम आपको बेसिक टू हाई पढ़ाएं, यानी कि सरल से लेकर और उच्च लेवल तक ले जाएं। तो हमने अभी तक जितने भी टॉपिक कवर किए हैं, मतलब जितनी भी क्लासेस हमारी अभी तक हुई है, उस क्लास में हमने एक एक ग्रह को इसी तरह से पढ़ाया कि पहले बेसिक जानकारी, फिर उसका थोड़ा मिडिल पार्ट हमने उसको अच्छे से पढ़ा और फिर उसको हाई लेवल तक ले गए। तो इसी तरह से आपको देखो 8-9 क्लास में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि यहाँ पे इसी तरह की क्लासेस चल रही हैं, और आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि आप लॉकडाउन की इस परिस्थिति में ऑनलाइन कक्षाएं आप लें, घर बैठे आप पढ़ाई करें, और आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आप अपनी कंटिन्यू रखें स्टडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।